बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा थर्ड टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी का, हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी। स्वीडिश नेचुरलिस्ट कैरोलस लिनियस प्रपोज्ड अ सिस्टम ऑफ डिफरेंट रिंग्स और लेवल्स फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एक स्वीडिश नेचुरलिस्ट था जिसका नाम कैरोलस लिनियस था, राइट। तो उसने एक सिस्टम को प्रपोज्ड किया, एक सिस्टम को बनाया जिसमें मुख्तलिफ रैंक्स यानी मुख्तलिफ लेवल्स होते थे, मुख्तलिफ सीढ़ियाँ होते थे फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए। सच रिंग्स आर कॉल्ड टैक्सा। तो इस रिंग्स को, इस लेवल्स को उसने टैक्सा का नाम दिया, सिंगुलर टैक्सॉन। द टैक्सा आर अरेंज्ड लाइक अ लैडर फ्रॉम लार्जर एंड मोर जनरल टू स्मॉलर एंड मोर स्पेसिफिक। तो ये टैक्सा जो है इसको अरेंज किया गया एक लैडर की फॉर्म में, ठीक है ना, एक सीढ़ी की फॉर्म में, फ्रॉम लार्जर एंड मोर जनरल, लार्जर और मोर जनरल से जाते जाते स्मॉलर एंड मोर स्पेसिफिक तक। तो इस तरह इसने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स किया इन द फॉर्म ऑफ टैक्सा, राइट। तो अब इसमें जो लेडर से जो टैक्सा है उसमें फर्स्ट वन आता है स्पीशीज़। स्पीशीज़ इज़ द बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का जो बेसिक यूनिट है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो है स्पीशीज़। तो एमसीक्यूज़ में इसी तरह आता है कि क्लासिफिकेशन का बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, स्पीशीज़ है, ठीक है। अ स्पीशी कंटेन सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। अब स्पीशीज़ क्या है, एक स्पीशीज़ जो है उसमें सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक स्पीशीज़ देखें गोट का, ठीक है, तो उसमें सारे गोट्स ही होंगे, उसमें कोई भी डॉग या फिर हॉर्स वगैरह नहीं आ सकता, ठीक है। तो अ स्पीशी कंटेन सिमिलर ऑर्गेनिज्म, एक स्पीशीज़ में सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नेचुरली एंटर ब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इज नाउन एज स्पीशीज। अब स्पीशीज़ को ब्रीफली डिफाइन किया है कि वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो नेचुरली एंटर ब्रीड करते हैं, यानी जो मीट होते हैं एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और उससे फिर पैदा होता है फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। नॉन फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं होता बल्कि उससे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा होता है, तो फिर इसको हम स्पीशीज़ कहते हैं। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंटर ब्रीड करे और वो नॉन फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करें तो उसको हम स्पीशीज़ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम देखें मेल डंकी और फीमेल हॉर्स जो है वो अगर एंटर ब्रीड कर ले तो उससे म्यूल बनता है, जो कि क्या है, जो नॉन फर्टाइल है, तो वो हमारे पास स्पीशीज़ में नहीं आता है। स्पीशीज़ में शर्त ये है कि जो वो इंटरब्रीड करेगी और फिर उससे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, दैट इज़ कॉल्ड स्पीशीज़। The members of a species have the same number of chromosomes, right? तो एक species के जितने भी members होते हैं उनमें same number of chromosomes होंगे। ये भी एक शर्त है कि एक ही species में एक ही एक जैसे chromosomes होंगे। For example, यहाँ पर example दिया है कि all human beings have 46 chromosomes। तमाम human beings जो है ये एक species में है, ठीक है ना, तो इसमें 46 number of chromosomes होते हैं, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं होते, एंड बिलोंग टू दी सेम स्पीशीज़, और इस वजह से ये सेम स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं। दूसरा हमारे पास जो लेडर है वो हमारे पास है जीनस। जीनस इज़ द ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ दैट आर सिमिलर इन सम कैरेक्टर्स। जीनस जो है वो ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ होते हैं जिसमें कुछ कैरेक्टर्स सिमिलर होते हैं। अगर ऐसे एक हमने डिफरेंट स्पीशीज़ ले लिए, ठीक है, तो उसमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक अगर उसमें सिमिलर है तो मीन्स के वो सेम जीनस से बिलोंग करते हैं। क्लोजली रिलेटेड जेनरा आर ग्रुप्ड इनटू अ फैमिली, और इसी तरह अगर सिमिलर जेनरा मिलकर क्या बनाती है, एक फैमिली बनाती है, और क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज आर ग्रुप्ड इनटू वन ऑर्डर, और इसी तरह जो फैमिलीज आपस में रिलेटेड होते हैं उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होते हैं तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्डर बनाते हैं, राइट। तो इसके बाद हमारे पास है कि सिमिलरली, इसी तरह
क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स आर ग्रुप्ड इनटू अ क्लास. इसी तरह इसी सिमिलर ऑर्डर जो है ये ग्रुप यदि मिलकर क्या बनाता है, एक क्लास बनाता है. एंड क्लासेस इन अ फाइलम, और क्लासेस मिलकर इसी तरह फाइलम बनाता है जिसका इनटू अ किंगडम. और फाइलम जो हमारे पास हो के वो किंगडम बनाते हैं. सो अ किंगडम इज द लार्जेस्ट एग्जाम ऑफ द फाइला, और किंगडम जो है ये एक लार्जेस्ट एग्जाम ऑफ द फाइला है. और स्पीशीज जो है वो स्मॉलेस्ट एग्जाम ऑफ द क्लासिफिकेशन है. तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम दिया गया है, बुक से मैंने लिया है कि टेक्सानोमिक हायरार्की ऑफ पैंथर. पैंथर जो है इसकी टेक्सानोमी हम देखें तो पहले हमारे पास क्या होता है, स्पीशीज़, ठीक है ना. स्पीशीज़ कौन सा है, पैंथीरा पैडस, और वो मिलकर जीनस बनाता है. जीनस क्या है, पैंथीरा है. और फिर जीनस मिलकर फैमिली बनाती है, फैमिली क्या है, फेलिडिया है. और फिर फैमिली मिलकर ऑर्डर बनाते हैं, ऑर्डर क्या है, कार्निवोरा है. और ऑर्डर मिलकर क्लास बनाता है, क्लास क्या है, मेमिलिया है. यानी जो पेंथीरा पार्डस है ये मेमल्स में आता है. और क्लास मिलकर फाइलम बनाता है, फाइलम है कॉर्डेटा. और फाइलम मिलकर किंगडम बनाता है, किंगडम में कौन सा है, एनिमेलिया, यानी एनिमल किंगडम में आता है. इसी तरह हमारे पास ये टेक्सानोमी हायरार्की ऑफ सम ऑफ द कॉमन एनिमल्स एंड प्लांट्स है. कि हमारे पास अगर हम अमेबा देखें ना, तो मैं एक को एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी आप लोग खुद ही पढ़ें. अमेबा जो है इसका स्पीशीज़ क्या है, अमेबा प्रोटियस है, ठीक है. अब इसका जीनस क्या है, अमेबा है. और फैमिली क्या है, अमेबेडिया है. ऑर्डर क्या है, अमेबिडिलेस है. क्लास क्या है, सरकोडीना है. फाइलम प्रोटोजोआ. एंड किंगडम क्या है, प्रोटेस्टा में आता है. तो ये याद रखना जो स्पीशीज़ का नाम होता है अमेबा प्रोटियस, तो इसका जो फर्स्ट वर्ड होता है, ठीक है ना, अमेबा. अमेबा क्या है, ये इसका जीनस को रेफर करता है. तो इसी तरह मस्टर्ड है, मशरूम है, मैन है. तो इन सब का आप लोग खुद ही पढ़ लें, ठीक है ना. और अगर समझ ना आई तो फिर क्या करें, क्वेश्चन कर लें. इसी तरह लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ कमेंट करना ज़रूर करें. इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कि हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम. क्लासिफिकेशन सिस्टम की हिस्ट्री हम पढ़ते हैं. अब हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, एरिस्टाटल ए ग्रीक फिलासफर एंड साइंटिस्ट इन 4 BC. एक ग्रीक फिलासफर और साइंटिस्ट था एरिस्टाटल, जिसका नाम था. उसने क्या क्या क्लासिफाइड एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज. उसने एनिमल्स और प्लांट्स को क्लासिफाइड किया सिमिलैरिटी के बेस पे. ओनली क्या, सिमिलैरिटी के बेस पे उसने प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाइड किया. ही लिस्टेड ओनली अ फ्यू हंड्रेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. उसने कुछ ही, मतलब ज़्यादातर नहीं बल्कि फ्यू हंड्रेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्या क्या उसने लिस्टेड किया, उसने क्लासिफाइड किया. ही एंड हिज पीपल ग्रुप्ड प्लांट इज ग्रास, बशेज एंड ट्रीज, एंड एनिमल इज एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल. एरिस्टाटल और उसके साथ साथ जो और कोलीग्स थे, उसने प्लांट्स को ग्रुप में रख दिया, मतलब एक ग्रुप बनाया, ग्रास का, दूसरा बशेज का, तीसरा ट्रीज का बनाया. और एनिमल्स का जो उसने ग्रुप बनाया वो एक एक्वेटिक रख दिया और दूसरा टेरेस्ट्रियल रख दिया. तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो एरिस्टाटल ने क्लासिफिकेशन की थी एनिमल्स और प्लांट्स की, वो किस बेस पे थी, वो सिमिलैरिटी की बेस पे थी. और प्लांट्स और एनिमल्स को किस किस बेस में उसने क्लासिफाइड किया गया था. इसके बाद हमारे पास दूसरा एक साइंटिस्ट है, कंट्रीब्यूशन ऑफ अबू उस्मान उमर अलजाहिज है. कि अबू उस्मान उमर अलजाहिज रोट अ बुक ऑन एनिमल, ठीक है ना. उसने एक बुक लिखा था एनिमल्स पर, जिसका नाम था किताबुल हैवान, ठीक है. विच कंसिस्ट ऑफ 7 वॉल्यूम इन द प्रिंटेड एडिशन, जिसमें 7 वॉल्यूम्स थे. यानी वॉल्यूम्स क्या होते हैं, जिस तरह हमारे बुक्स में पेजेस होते हैं, इसी तरह 7 वॉल्यूम्स होते हैं. जिस तरह अगर हम देखें तो एक फर्स्ट होता है, फिर सेकंड पेज होता है, तीसरा पेज होता है, इसी तरह 7 वॉल्यूम्स पर एक किताब उसने लिखा था एनिमल्स पर, जिसका नाम था किताबुल हैवान. तो ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि अबू उस्मान उमर अल जाहिर ने कौन सा किताब लिखा था, किताबुल हैवान लिखा था. या फिर दूसरी तरह भी आ सकता है कि किताबुल हैवान जो है ये किसका बुक है, ठीक है ना. और ये भी आ सकता है कि किताबुल हैवान में कितने वॉल्यूम्स थे, 7 वॉल्यूम्स थे. इन दिस बुक ही एक्सप्लेन द कैरेक्टर्स ऑफ 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स. इस बुक में, किताबुल हैवान में, अबू उस्मान उमर अजाहिर ने 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था.
इसका मतलब यह है कि इसकी होमोलॉगी और एनोलॉगी, इसको भी डिस्क्राइब किया था कि किन किन में सिमिलैरिटीज़ है, कौन 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 एनिमल्स में सिमिलैरिटीज़ है, कौन कौन से डिफरेंसेस है उसमें, ये सब इसने डिफरेंशिएट किया था। ही आल्सो गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्ट्स, और इसने सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्ट्स जो है इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। ही इवन न्यू दैट सम इंसेक्ट्स आर रिस्पॉन्सिव टू लाइट, उसने ये बताया कि कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो लाइट को रिस्पॉन्सिव होते हैं, लेकिन ये मतलब ये कि कुछ इंसेक्ट जो होते हैं वो लाइट के पीछे जाती हैं, मतलब उसके रिस्पॉन्सिव होते हैं। एंड यूज दिस इंफॉर्मेशन टू सजेस्ट अ क्लेवर वे ऑफ गेटिंग राइड ऑफ मस्कीटो एंड फ्लाइज, और ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई है मस्कीटो और फ्लाइज जो है इसमें पाई जाती है, तो इसको भी इसने एक्सप्लेन कर दिया गया। ओके।